ओके सो हाय गाइज वत्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइज मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला गाइज कुछ इस टाइप की न्यू बटरफ्लाई फोटो एडिटिंग। सो गाइज इस फोटो एडिटिंग में गाइज मैं कुछ बैकग्राउंड पीएनजीज का यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज मैं आप सभी से एक मेन चीज़ बोलना चाहता हूँ कि गाइज इस वीडियो में ना गाइज हमारा कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट है। जैसे गाइज मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि गाइज कलर ग्रेडिंग वाला जो पार्ट होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गाइज जो भी हमारी फोटो डिपेंड होती है वो कलर ग्रेडिंग के ऊपर ही डिपेंड होती है। क्योंकि गाइज आजकल जो है सभी को मतलब कि पिक्सआर्ट का यूज़ आ चुका है, तो गाइज कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट जो है वो मिस कर देते हैं हमेशा, एंड वो सोचते हैं कि यार बैकग्राउंड पेजेस डाउनलोड करते हैं एंड सीधा अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। बट गाइज आप लोगों को जो है कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट जरूर देखना है, क्योंकि गाइज क्या होता है कि कलर ग्रेडिंग जब तक आप सेम टू सेम नहीं करोगे तो गाइज आपकी फोटो जो सेम एडिट नहीं हो सकती। तो गाइज आपको जो कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट बिल्कुल देखना है, ठीक है, तो गाइज मिस मत करना। तो गाइज अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, गाइज आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइज जाना आपको ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से आप सभी को ऐड करना है अपना मॉडल को। तो गाइज यहाँ से मॉडल को ऐड कर लेते हैं, एंड जो गाइज मॉडल है मैंने गाइज उसका बैकग्राउंड पहले से कटआउट कर रखा है। तो गाइज जिसको कटआउट करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो या तीन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उन वीडियो में किसी भी वीडियो को जाकर देख लेना, आपको इजीली उसमें समझ आ जाएगा कि आपको बैकग्राउंड क्रिएट कैसे करना है। तो गाइज बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइज आपको मॉडल को जो है कुछ साइज आपको कुछ इस तरीके से रखना है, एंड गाइज उसके बाद आपको सिंपली डन कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना गाइज ऐड फोटो में, एंड गाइज ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आपको यहाँ से ऐड करना बटरफ्लाई का पीएनजी। तो गाइज हम इसको यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेते हैं, एंड गाइज इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे जो अपने दोनों हैंड के बीच में कुछ इस तरीके से रखना है, एंड गाइज अपने हैंड के बीच में कुछ इस तरीके से आपको स्पेस देना है। एंड गाइज पोज आप कैसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपको कुछ इस टाइप से रखने बटरफ्लाई का, एंड उसके बाद कर देना डन। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से आपको मिलेगा एक लाइट का पीएनजी, तो उसको हम सिंपली यहाँ से ऐड फोटो से ले लेते हैं। तो गाइज अभी कुछ भाइयों को लग रहा होगा यार ये तो ग्रीन कलर का, बट गाइज क्या करना है आप सभी को, इसको ऐड करने के बाद आपको जाना एडजस्ट में, फिर आपको जाना ह्यू में, एंड आपको ह्यू को ऊपर की तरफ बढ़ाना है। एंड गाइज उसके बाद आपको बढ़ा के ऊपर ले जाना 130 तक, एंड उसके बाद ये ब्लू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है, एंड गाइज आपको इसको रख देना अपने बटरफ्लाई के ऊपर, ठीक है, बटरफ्लाई के ऊपर रखना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से साइज रख के, एंड उसके बाद आपको उसका एक डुप्लीकेट बनाना है। तो इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको डुप्लीकेट करना है, एंड उसको सेम साइज में रखना है, एंड उसके बाद आपको उसके साइज को बड़ा कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो गाइस इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, फिर गाइस आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला जो ऑप्शन है गाइस आपको जो साइड में दिख रहा है ऊपर की तरफ उसको पे क्लिक करके आपको फोटो को डन कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको एक स्मोक का पीएनजी, ठीक है। तो स्मोक का पीएनजी कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना ब्लेंडिंग मोड में, एंड इसको कर देना स्क्रीन, एंड उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे नीचे की तरफ ऐसे रख देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो कितनी मस्त लग रही है अभी यहाँ पे, तो अभी हम इसको डन करते हैं। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना, पिक्सआर्ट का काम आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो आपको यहाँ पे फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना है लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में गाइस हमने फोटो को पहले से ही ऐड कर रखा है, तो अब हम चलते सीधा लाइट वाले ऑप्शन में, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो है बढ़ा देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे हाईलाइट है इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, एंड जो शेडो है हम इसका थोड़ा सा यहाँ पे कम कर थोड़ा बढ़ा देते हैं शेडो को, ठीक है, शेडो बढ़ा देते हैं। एंड जो व्हाइट है थोड़ी सी व्हाइट को छोड़ देना, ब्लैक है जो उसको कम कर देना, व्हाइट को आपको जो है इसको भी कम कर देना क्योंकि फोटो में जो व्हाइटनेस ज़्यादा है, तो आपको व्हाइट कम करना है। जाना नीचे वाले टूल में कलर्स में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन को बढ़ाना है, फोटो का थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना ताकि जो फोटो में ब्लू टोन है ना वो हमारी बची रहे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना कलर मिक्स में, आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन जो है आपको माइनस करना है अपने फेस के अकॉर्डिंग। देन गाइज आपको उसका ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर गाइज येलो कलर को आपको लेना है, एंड गाइज आपका फेस जो है आपको थोड़ा सा ऑरेंज टोन में चाहिए, तो आपको उसका जो ह्यू है माइनस कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐसे डार्क ब्लू में, ठीक है, नहीं मतलब ग्रीन कलर में पहले यार, आप जो आपके इसमें पीछे जो फ्लावर्स हैं इनके यार पहले कलर चेंज कर लेना है, ग्रीन कर लेना है। तो ह्यू और सैचुरेशन बढ़ा देना, फिर जाना आपको डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन बढ़ाना है, थोड़ा सा जो ह्यू है इसको कम करना है, ठीक है, ह्यू थोड़ा सा कम करना है। एंड देखिए गाइस हमारी फोटो का जो लुक है कितना मस्त बन चुका है। तो अभी हम इसको यहाँ पे फिलहाल डन करते हैं, एंड चलते हैं यहाँ से नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको हमें फोटो की क्लियरिटी बढ़ानी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देना है। तो यहाँ से हम माइनस की तरफ करते हैं इसे, एंड विग्नेट डालना है, एंड नीचे स्क्रॉल करना है, आपको हमें मिलेगा ग्रेन अमाउंट, वो ग्रेन अमाउंट जो है आपको उसको बढ़ाना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ से जाना नीचे वाले टूल में, फिर क्या जहाँ पे आपको फोटो की जो शार्पनेस दिख रही है आपको उसको बढ़ाना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको नोड रिडक्शन, आपको उसको बढ़ाना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर, तो गाइस ये बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी चलिए मिलता हूँ आप सभी से किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।